हेलो एवरीवन। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ाने वाले हैं वर्ब में पार्टिसिपल। अगर आप हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो को देखते हैं तो हम इस पर 100% इंश्योर करते हैं कि प्यारे बच्चों इस टॉपिक में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए क्लास को एक लाइक के साथ स्टार्ट करते हैं। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल को अभी तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए तो आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि आपको इस टाइप का कंटेंट मिलता रहे। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं वर्ब का अगला भाग जिसका नाम है पार्टिसिपल। अगर इसमें देखा जाता है कि पार्टिसिपल क्या होता है, यानी कि पार्टिसिपल से पहले हमने बताया था ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव। पार्टिसिपल से पहले हमने क्या बताया था? ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव बताया था कि ट्रांसिटिव क्या होता है और इंट्रांसिटिव क्या होता है। और दोनों को एक एक करके हमने डिफाइन किया था और डिफाइन करके निश्चित तौर पर यानी एक एक करके समझाने का प्रयास किया था कि अगर इस प्रकार से समझाया जाए तो किसी भी बच्चे को कोई किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होने का चांस है। फिर आज हम उसके बाद अगला चैप्टर को लेकर के चल रहे हैं जिसका नाम है पार्टिसिपल। अब ये पार्टिसिपल क्या होता है? पार्टिसिपल यह भी आईएनजी फॉर्म है जिसको हम कहते हैं बिफोर फॉर्म कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? बिफोर फॉर्म कहते हैं। जब वर्ब के चौथा फॉर्म का जब यूज किया जाता है जिसमें कि आईएनजी लग जाता है तो उसको क्या कहते हैं? बिफोर कहते हैं। और बिफोर में होता क्या है? तो बिफोर में निश्चित तरीका से आईएनजी यूज होता है। लेकिन इसमें देखिएगा कि यह जो आईएनजी यूज है यह वास्तव में वर्ब और एडजेक्टिव दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए वर्ब और एडजेक्टिव यानी पार्टिसिपल का यूज वर्ब और एडजेक्टिव दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां से देखिए कि पार्टिसिपल आखिर होता क्या है कि जब किसी सब्जेक्ट के बाद अगर एचवी का प्रयोग करें, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें, तो आगे क्या होता है? तो बिफोर हो जाता है। यानी सपोज कीजिए कि अगर आप ही इज गोइंग ठीक है, कहते हैं ही इज गोइंग। अब यहां पर देखिएगा आखिर गोइंग क्या होता है? तो गोइंग क्या है? गोइंग वास्तव में बिफोर है। क्या है? बिफोर, वर्ब का चौथा रूप है। तो ऐसे स्थिति में इसको बिफोर कहेंगे और ये टेंस में आ जाएगा, आराम से टेंस में आ जाएगा, तो इसको कहते हैं बिफोर। लेकिन जब इसी आईएनजी को जब नाउन से पहले इस्तेमाल किया जाता है तो क्या होता है? तो एडजेक्टिव बन जाता है। जब नाउन से पहले एनजी का प्रयोग हो तो एडजेक्टिव बन जाता है और इसे ही कहते हैं पार्टिसिपल। तो ये वर्ब है लेकिन एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है और नाउन का विशेषता बताता है और उसी को क्या कहते हैं? और उसी को क्या कहते हैं? पार्टिसिपल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पार्टिसिपल कहते हैं। तो अब यहां से देखें कि आखिर ये पार्टिसिपल पार्ट होता क्या है, क्या कहते हैं? अब ये पार्टिसिपल पार्ट होता क्या है? तो अब यहां पर देखें पार्टिसिपल क्या होता है। अब यहां पर देखते हैं पार्टिसिपल। पहले हम पार्टिसिपल को भी दिखाएंगे और उसके बाद जिरंड को भी दिखाएंगे। जिरंड भी आईएनजी है लेकिन ये नाउन का काम करता है। वर्ब और नाउन जो दोनों का काम करे वो जिरंड होता है और जो वर्ब और एडजेक्टिव जो दोनों का काम करें उसे क्या कहते हैं? पार्टिसिपल कहते हैं। तो जस्ट यू विल टेक ए डेफिनेशन। तो यहां से हम क्या लेते हैं? तो डेफिनेशन लेते हैं। तो देखिए यहां पर यानी इसका डेफिनेशन क्या होता है? तो देखिए ए क्या है? कहते हैं ए पार्टिसिपल क्या होता है? कहते हैं ए पार्टिसिपल is that a participle is that form of a क्या होता है? a participle is that form of a verb क्या होता है? form of a participle is that form of a verb which क्या होता है? which कहते हैं which partakes क्या होता है? कहते हैं which partakes of the nature
पार्टिक्स ऑफ द नेचर बोथ ए वर्व एंड ऑफ एन बोथ ऑफ एन एडजेक्टिव बोथ ऑफ एन एडजेक्टिव। अब देखिए क्या है, ए पार्टिसिपल इज दैट फॉर्म ऑफ ए वर्ब, यानी पार्टिसिपल शब्द का वह रूप है, क्या कहते हैं, पार्टिसिपल शब्द का वह रूप है जो क्या दिखाता है, पार्टिक्स ऑफ द नेचर बोथ ए वर्ब एंड ऑफ एन एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव और वर्ब विशेषण और ये क्रिया जो दोनों के लिए प्रयोग किया जाए, दोनों के लिए जिसका इस्तेमाल हो वह क्या होता है, तो पार्टिसिपल होता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो पार्टिसिपल कहते हैं। तो अब देखिए कि ये अभी अब जब ये पार्टिसिपल हुआ तो आखिर ये पार्टिसिपल का यूज होता कैसे है, अब इसको देख लें, ही सॉ ए रनिंग डॉग। अब यहां पर देखें कि हमने यहां पर क्या यूज किया, तो रनिंग को कहते ही इज रनिंग, तो वह दौड़ रहा है, ही इज रनिंग कहते तो वह दौड़ रहा है, तो वर्ब यूज हो गया। अब यहां पर देखिए नाउन से पहले हमने क्या किया, तो एडजेक्टिव का वर्ब का यूज किया है, लेकिन ये एडजेक्टिव है, इसलिए एडजेक्टिव है कि नाउन से जस्ट पहले है और उससे पहले क्या है, आर्टिकल है, तो आर्टिकल को भी एडजेक्टिव ही कहा जाता है। तो अब यहां पर इसका आप मीनिंग निकालिए, ही सॉ ए रनिंग डॉग, उसने दौड़ते हुए कुत्ता को देखा, कहते ही सॉ, उसने देखा, ए रनिंग डॉग, दौड़ते हुए कुत्ता को देखा। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये जो रनिंग है वह क्या है, तो एडजेक्टिव है, क्योंकि एडजेक्टिव का पहचान होता है कि जब भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो नाउन से पहले इस्तेमाल करते हैं, जब नाउन से पहले इस्तेमाल हो तो लगभग वह क्या बन जाता है, तो एडजेक्टिव ही बन जाता है। तो अब यहां पर दूसरा और भी एक देख लें, राम सॉ ए बार्किंग डॉग। तो क्या हुआ, राम ने एक भौंकते हुए कुत्ता को देखा, राम ने क्या देखा, तो भौंकते हुए कुत्ता को। अगर यहां पर आप ये कहते हैं कि डॉग इज बार्किंग, तो कुत्ता भौंक रहा है, डॉग इज बार्किंग मीन्स कुत्ता भौंक रहा है, लेकिन है राम सॉ ए बार्किंग डॉग, राम ने दौड़ते हुए भौंकते हुए कुत्ता को देखा। तो हियर हैज बीन यूज्ड हियर बार्किंग एज एन एडजेक्टिव, यहां पर जो बार्किंग का प्रयोग हुआ है बिल्कुल एडजेक्टिव के लिए यूज हुआ है, जो कि ये नाउन से पहले है। तो आप इसे कह सकते हैं कि कौन सा यूज है, तो पार्टिसिपल यूज है। देखिए कौन सा यूज है, तो निश्चित तौर पे पार्टिसिपल यूज है। जैसे हम कहते हैं वी मेट, जैसे हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं वी मेट ए गर्ल कैरिंग ए बास्केट फ्लावर, यानी यहां पर हो जाएगा बास्केट ऑफ फ्लावर। तो यहां देखिए वी मेट ए गर्ल, मैंने एक लड़की से मिला, यहां पर क्या है, मैंने एक लड़की से मिला कैरिंग ए बास्केट फुल फ्लावर, जो कि एक भरा हुआ बास्केट लेते जा रही थी, मतलब एक भरा हुआ बास्केट को ले जाते हुए मुझसे मिला। तो अब ऐसे स्थिति में आप देख लीजिए कि वी मेट ए गर्ल, तो यहां नाउन है, तो यहां पर भी क्या है, ए का इस्तेमाल है, और यहां भी देखिए कैरिंग ए बास्केट ऑफ फ्लावर, तो एक बास्केट फ्लावर ले जा रहा था, तो यहां जो ले जाने का काम है, यानी ले जाते हुए वह मिला, तो यह वास्तव में क्या है, कैरिंग एडजेक्टिव है। तो इस प्रकार से आप जो है निश्चित तौर पर पहचान गए होंगे कि आखिर पार्टिसिपल क्या होता है, तो पार्टिसिपल सीधे लहजे में आप जान लीजिए प्यारे बच्चों,
कि पार्टिसिपल वह है जो किसी भी नाउन से पहले एडजेक्टिव के लिए इस्तेमाल हो। लेकिन एक बात और भी जानना है, ये तो वर्ब का रूप है, क्या है वर्ब का रूप है यानी बिफोर फॉर्म है, जो वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल होता है और एडजेक्टिव के रूप में भी इस्तेमाल होता है। जब नाउन से पहले इस्तेमाल हो तो एडजेक्टिव बन जाता है, जब सब्जेक्ट और एचवी के बाद इस्तेमाल हो तो फिर ये वर्ब बन जाता है। तो वास्तव में यह वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करता है और यह क्या है, पार्टिसिपल है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि वास्तव में यह पार्टिसिपल क्या होता है, निश्चित तौर पे समझ में आ गया होगा कि यह पार्टिसिपल होता क्या है। तो चलिए अब यहां से फिर क्या देखते हैं, तो दूसरा देखते हैं कि आखिर ये पार्टिसिपल पार्टिसिपल का कितना पार्ट है, क्या कहते हैं पार्टिसिपल का, आप देखिए पार्टिसिपल का पार्ट देख लीजिए क्या होता है, कहते हैं पार्टिसिपल का आप पार्ट देखें। तो ये जो आप जो पहला पार्ट देख लें, यानी पहला पार्ट होता है कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, और दूसरा क्या होता है देख लीजिए पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पास्ट पार्टी पास्ट पार्टिसिपल, और ये देख लीजिए तीसरा क्या है, तो और ये तीसरा क्या है, तो परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टी देखिए। तो अब यहां पर देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, थोड़ा सा रफ स्पेलिंग है इसलिए थोड़ा सा इसको हम मिटाए हैं, तो इसको हम अच्छे से लिख देते हैं। आप देखिए क्या है प्रेजेंट, क्या है प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्या है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और ये क्या है पास्ट पार्टिसिपल, क्या है पास्ट पार्टिसिपल, और फिर ये जो है कि अगला देख लीजिए ये क्या है, और ये तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल, ये है परफेक्ट, ये है परफेक्ट पार्टिसिपल। अब देखिए प्रेजेंट पास्ट, प्रेजेंट पास्ट और परफेक्ट, ये बिल्कुल आप सीधे लहजे में इसे समझ जाइए कि आखिर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, यानी ये भी जो है आपको बिफोर फॉर्म ही है, तो इसको आप अच्छे तरीका से देख लीजिए कि इसका यूज आखिर हम करते कैसे हैं। तो ये क्या है प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो आप देखेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, तो ये वास्तव में क्या होता है, देखिए द प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, देखिए द प्रेजेंट, देखिए द प्रेजेंट क्या है, देखिए द प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल इज दैट, देख लीजिए क्या है प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल इज दैट फॉर्म ऑफ ए वर्ब, प्रेजेंट पार्टिसिपल इज दैट फॉर्म ऑफ ए वर्ब which ends क्या होता है which ends in ing and which ends in ing and represent and
एंड रिप्रेजेंट। अब ये रिप्रेजेंट क्या होता है, रिप्रेजेंट्स एन एक्शन, रिप्रेजेंट्स एन एक्शन as going on। अब देख लीजिए प्रेजेंट पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल इज दैट फॉर्म ऑफ ए वर्ब व्हिच एंड्स इन आईएनजी, जिसके अंत में क्या रहता है, आईएनजी होता है, एंड व्हिच एंड्स इन आईएनजी एंड रिप्रेजेंट्स एन एक्शन, जिसमें कि एक्शन का भाव व्यक्त करता है। और एक्शन भी कैसा, आईएनजी तो आता ही है लेकिन वो जारी रहने वाला एक्शन है, तो जारी रहने वाला जब भी एक्शन होगा तो इम्परफेक्ट में आ जाएगा। तो इस प्रकार से एक्शन इसका जारी होने के लिए व्यक्त किया जाता है। तो कैसा एक्शन होता है, तो जारी होने के लिए एक्शन इसका व्यक्त किया जाता है। तो ये हुआ प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्या हुआ ये प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इस एक्शन को आप देख सकते हैं, दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल। चलिए आज हम इसी के साथ आज का क्लास हम खत्म करते हैं। अब अगले दिन इसको हम एक एक करके फिर बताने वाले हैं। प्यारे बच्चों, अगर शुरू से अंत तक आप देखने का प्रयास कीजिएगा, देखने का कोशिश कीजिएगा, तो आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आज हम इसी के साथ यहाँ क्लास को ख़त्म करते हैं। चलिए, इसके लिए धन्यवाद।